इंडियन प्रीमियर लीग का अगला सीजन काफी अलग होने वाला है, जिसमें आपको 10 टीमें खेलती हुई दिखाई देंगी। इस वजह से ऑक्शन और रिटेंशन दोनों ही काफी अहम है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की प्रक्रिया मंगलवार यानी आज खत्म हो रही है। लीग की मौजूदा 8 टीमों को 30 नवंबर तक अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी है। पुरानी टीमें मैक्सिमम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती हैं, जिनमें 3 से ज्यादा भारतीय और 2 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं हो सकते। इसके बाद दोनों नई टीमों को मौका दिया जाएगा, जो 1 से 25 दिसंबर तक रिटेन नहीं किए गए खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों को चुन सकती है। इन तीनों खिलाड़ियों में से भी 2 से ज्यादा भारतीय नहीं हो सकते और ना ही 1 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी हो सकता है। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो सभी 10 टीमों को 90 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। हालांकि अगर टीमें 4 खिलाड़ियों को रिटेन करती है तो उनके बजट से 42 करोड़ काट लिए जाएंगे। वहीं 3 खिलाड़ियों के लिए 33 करोड़, 2 खिलाड़ियों के लिए 24 करोड़ और सिर्फ 1 खिलाड़ी को रिटेन करने पर सैलरी पर्स में से 14 करोड़ रुपए काट लिए जाएंगे। अगर कोई टीम इन दिए गए स्लैब से ज्यादा पैसे खिलाड़ियों को देना चाहती है तो वो पैसा भी टीमों के पर्स से ही काटा जाएगा। नियमों के हिसाब से खिलाड़ियों को दिए गए स्लैब में भी थोड़ा लोचा है। चलिए आपको बताते हैं कैसे। अगर किसी टीम ने 4 रिटेंशन किए हैं तो पहले खिलाड़ी को 16 करोड़, दूसरे खिलाड़ी को 12 करोड़, तीसरे खिलाड़ी को 8 करोड़ और चौथे खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं अगर कोई टीम सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही रिटेन करती है तो पहले खिलाड़ी को 15 करोड़ रुपए, दूसरे खिलाड़ी को 11 करोड़ और तीसरे खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 1-1 करोड़ रुपए तीनों के खाते से कटकर फ्रेंचाइजी के पर्स में जुड़ जाएंगे। वहीं अगर सिर्फ एक ही खिलाड़ी को रिटेन किया जाता है तो उसको केवल 14 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। 2 खिलाड़ियों को रिटेन करने की हालत में भी पहले खिलाड़ी को 14 करोड़ रुपए जबकि दूसरे खिलाड़ी को 10 करोड़ रुपए ही मिलेंगे।